देख लीजिए, ये है जहानाबाद की तस्वीर। यहाँ पे बहुत ही अब अत्याचार किया जा रहा है पुलिस बल के द्वारा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बगल में इनका मकान है, देख लीजिए। यहाँ पे है रेलवे, रेलवे का जो स्टेशन है जहानाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, और बाजू में इनका घर है, देख लीजिए इस गली में यहाँ पे इनका घर है। और पुलिस के द्वारा, रेलवे पुलिस के द्वारा इनको जो है यहाँ पे, जो इन्वॉल्व नहीं थे, जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे आंदोलन में, वो एक विद्यार्थी भी नहीं है, और उनको ले जा करके थाना में बंद किया गया है। तो बताइए वो कौन थे, उनका नाम क्या था, आप बताइए। और वो धरना में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि नहीं? ये अंकल है, इनका बेटा है। अच्छा। और वो बगल वो घर में रहता है। हाँ। और वो ऑटो चलाता है। ऑटो चलाता है। हाँ, उसका छोटा सा बच्चा है। अच्छा। वो तो अपना रोजमर्रा कुछ काम करने के लिए निकला होगा, बस पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई और मारी भी, और लगता है थाने में ले गई। आपका बच्चा जी, तो उनको ले करके पुलिस अभी मतलब पकड़ करके ले करके रेलवे थाना में ले करके चले गए। थाना में तो आप लोग जा करके थाना में अब जा करके विजिट कीजिए, कहिए कि इनका कोई गलती नहीं है। तो ऑटो चालक है तो ये कहाँ आंदोलन नहीं माने। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये हाल किया जा रहा है RPF के द्वारा, रेलवे पुलिस के द्वारा। और ये इनका इनका पिताजी थे, इनका पिताजी थे, उनको पुलिस बल के द्वारा जो है ले जा करके उनको थाना में बंद कर लिया गया है। तो जितने सारे भी जहानाबाद के लोकल लोग हैं, पार्टीज हैं, तो कृपया इस बात को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इनको छोड़ने का कार्य किया जाए। नहीं तो जहानाबाद आपको पता है कि कैसा जिला है, डेंजर डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया में नंबर वन आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, जो स्थानीय लोग हैं उनको चैन से रहने दीजिए, उनको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चा है उनका जिनको हम अभी गोद में लिए हुए हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग जल्द से जल्द उनको छोड़ने का कार्य करें। जो भी पुलिस बल हमारे वीडियो को बाद में देखेंगे, कृपया करके उनका कोई गुनाह नहीं है, उनको आप छोड़ दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।